है, रहन सहन में है, लेकिन ये अनेकता एकता में तब बनती बदल जाती है जब वह अनेकता एक भाव और एक भावना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये भारत, लघु भारत का निर्माण आज इस रूप में हम सबको देखते हुए यहां पर बन रहा है, इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विगत वर्ष हमें उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि कुंभ के आयोजन के पहले लोग मुझसे पूछते थे कि कुंभ में कितने लोग आएंगे, तो मैं कहता था कि जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उससे कम श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में नहीं आएंगे, इस बात को नोट करना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ में 24.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया था। उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है और कुंभ के आयोजन में 24.5 यानी 24.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया। और साथ ही साथ कुंभ का आयोजन पहली बार सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्वच्छता का एक नया संदेश देकर के भी देश और दुनिया को गया है। और इस बार मेरा सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों को आप सभी युवा